कैसे काम करना है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है इसमें, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो पहले हम लोग कैसे सी लॉग इन, लॉगिन करने के लिए आपके पास आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है, क्योंकि हम अपनी आईडी डाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पासवर्ड डालते हैं, और ये हमारा पासवर्ड पड़ चुका है, लेकिन कैप्चा डालते हैं। इसके बाद हम अगर परमानेंट लॉगिन करना चाहते हैं या बार बार आईडी पासवर्ड नहीं डालना हो तो हम इसे रिमेंबर मी पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ नॉट रीडेबल ऑप्शन दे रहा है, क्लिक हियर टू रिफ्रेश। अगर ये कैप्चा हमें समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से हम कैप्चा चेंज करके भी कैप्चे को डाल सकते हैं। इसके बाद हम देन सिंगल पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद एक आपके पास ऑप्शन और मिलता है लॉगिन पासवर्ड करने का। लॉगिन पासवर्ड इसलिए होता है, जैसे कि मान लीजिए हम हमारी सीएससी आईडी है उसका हम पासवर्ड भूल जाते हैं, तो हमें दोबारा पासवर्ड जानने के लिए ये फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम आप अपने आईडी को लॉगिन करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने सिंगल दिया, ये आपसे पूछ रहा है इस आईडी पासवर्ड को आप क्या सेव करना चाहते हैं, तो हमें सेव करना नहीं है इसे, ठीक है। तो हम अपनी ये सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में आ चुके हैं, ठीक है। ये ऐसा डैशबोर्ड खुल के आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। सबसे फर्स्ट सुविधाएं हमारी है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में क्या क्या मिल जाता है आपको, देखिए बहुत सी सुविधाएं हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद हमें सुविधा मिलती है बैंकिंग की। बैंकिंग में देख लीजिए, बैंकिंग में जितने भी बैंक है, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, बीसी, आंध्रा ग्रामीण बैंक, ऐसे जितने भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक है, इससे आपको सीएससी की तरफ से बैंक मित्र रचना करके आपको बीसी मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक नॉलेज है तो बैंक के बारे में, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं हम, सुविधा मिलती है हम लोग को फास्टैग की। फास्टैग में आते हैं हम, फास्टैग में क्या है, फास्टैग का यहाँ से हम रिचार्ज कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का है, बड़ौदा बैंक का है, और सभी बैंक हैं, ठीक है। इसके बाद हम भाई फास्टैग कर सकते हैं, जैसे हमें किसी बैंक का अगर फास्टैग लगाना है, SBI का, HDFC का, Paytm का, ये और सभी बैंक हैं, ठीक है, यहाँ से हम फास्टैग ले सकते हैं, ठीक है। ये फेरिंग मर्चेंट, जैसे कि आपकी कोई सी भी बैंक हो गई, ठीक है, जो मर्चेंट है आपका, जैसे मान लीजिए आपका बड़ौदा का है, जिस बैंक को आप यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका ये देखिए ये फेवरेट में आ चुका है, ठीक है, ये हमारा फेवरेट ऑप्शन हो गया, ठीक है, इसे आप आशा है इसे आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन ये गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे गवर्नमेंट सुविधाएं जो हमारी हैं इसमें दिख जाएंगी, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न हिमाचल, ये तो हिमाचल के लिए है, ठीक है, हम तो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए आप इसको स्क्रॉल डाउन करते करते आप आइए नीचे आइए, बहुत सी सुविधाएं हैं, अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। आयुष्मान भारत सर्विस है, ठीक है, इससे बहुत सी सुविधाएं हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारी सुविधा आती है DTH की, जैसे कि हम DTH का रिचार्ज करते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं, ये BBPS का सर्विस है, केबल टीवी जो लगे होते हैं उनके लिए है, ये डिटेल वाले चार्ज यहाँ से कर सकते हैं, डिटेल का निर्देश कर सकते हैं DISH TV का, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है, टेलीकॉम में देखिए हम क्या सुविधा कर सकते हैं, इसमें हमारे मोबाइल प्रीपेड का ऑप्शन मिलता है, एयरटेल का रिचार्ज, BSNL प्रीपेड, रिलायंस Jio और PR, पहले वोडाफोन आइडिया था, अभी ये दोनों मर्ज होकर एक में आ चुका है, ठीक है। यहाँ से मोबाइल पोस्टपेड का रिचार्ज कर सकते हैं, ये ब्रॉडबैंड पोस्टपेड का रिचार्ज कर सकते हैं, ये लैंडलाइन पोस्टपेड का रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम हेल्थ सेक्टर, ठीक है, हेल्थ ऑप्शन में आते हैं, यहाँ से आप हेल्थ से संबंधित जानकारी मिलेंगी, 1 AMG हेल्थ सर्विस है, ठीक है, 3 AMG का है, एलोपैथी वाली अपोलो का है, ठीक है। यहाँ से हम अकाउंट में लेके अपनी जो जानकारी है, कुछ पैसे फी करने पड़ेंगे आपको,
और यहाँ से हम अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर मिलते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं गैस सुविधाएं में, जैसे कि हम यहाँ से किसी को कस्टमर को गैस की सुविधा प्रदान करनी है, एलपीजी का जो पेमेंट कर सकते हैं आप, जो आउटडोर का कनेक्शन होता है जो उसके लिए होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो TGPLB कनेक्शन, यहाँ से हम गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि जो हमारी पाइप लाइन होती है घरों में गैस के लिए होती है, यहाँ से इसका हम बिल जमा कर सकते हैं। PNG पेमेंट, ठीक है। फिर आते हैं हम CNG का लाइन नहीं है इसमें। LPG, जैसे कि जो हमारी गैस कंपनियाँ हैं, एक है LPG गैस बुकिंग, यहाँ से हम LPG अपना गैस बुकिंग कर सकते हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, ये हमारे सीएससी दिल्ली के लिए है, जैसे कि हम अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से टाइप करना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड सर्च कीजिए, वहाँ से यहाँ से आप ऑप्शन कर सकते हैं गैस मीटर रिचार्ज, जो हमारा पाइप लाइन होता है उसका यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं आप। इसके बाद आता है हम अपना पेंशन सुविधा में, अटल पेंशन योजना ATY, ठीक है, और ये NPS नेशनल पेंशन सिस्टम स्वावलंबन कंट्रीब्यूशन। इसमें स्वावलंबन कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे कि हम इसमें ये जानते हैं, जैसे कि कोई 60 साल से ऊपर है उसको हमें जीवन प्रमाण पत्र देना होता है, ये उसके काम आता है, ठीक है। यहाँ से कभी तक सीख गए। अब आता है हमारे ट्रेवल सिस्टम, ट्रेवल में हम ये जानते हैं, ट्रेवल में देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बस टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, ICT रिजर्व, टिकटिंग AC रिजर्व, ये सभी हम नई सुविधाएं आ रही हैं, ठीक है, नॉन AC के लिए, ठीक है, IRCTC।